दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साढ़े को कमेंट आया है ब्रैम्पटन ओंटेरियो तो वीर हरप्रीत सिंह जी का, ये लिखते हैं कोई भी नहीं अमरीकन चोना डेमोक्रेसी का एक झूठा दिखावा है, ये गल दूजिया दुनिया नू जिनी छेती समझ आ जाए उन्ना चंगा है, सारे अमरीकन सियासतदान एना लालची कारपोरेशन वालों कंट्रोल कीतियां जादियां कठपुतलियां हैं जिन्हां ने बड़े संस्था तरीके नाल दुनिया ते कब्जा किया होया है, मीडिया ते एना कारपोरेशन दा कंट्रोल है, जाली लड़ाइयां लड़ांदे ने ए, दवाइयां हथियार ते तेल दुआले घूमदी है सारी खेड, ए सब कुछ अपने निजी मुफादां लई है। ते ए जिहड़ा कमेंट आया है साडी विच प्रेजिडेंशियल कैंडीडेट US 6 शुड वोट सपोर्ट वीडियो ते वीर हरप्रीत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सानू ब्रैम्पटन टोरंटो कैनेडा तो लिखे जी। उन्होंने काफ़ी ठीक पिक्चर दिती है, वड्डिया सियासी गेमां जड़ियां ने वो बहुत बार नज़र नहीं आंदियां, बहुत बार सामने जो नज़र आ रहा हुंदा है वो इशू हुंदे ने जिहड़े आम लोग समझते ने भी उन्होंने इशू ने, कदे हैल्थ इंश्योरेंस का इशू है, फेडरल टैक्सिस का इशू है, क्राइम का इशू है, जड़ा इमीग्रेशन का इशू है और इकोनमी दियां गल्लां ने, पर कुल मिला के इहदे कोई शक नहीं है कि जदों असी ईवन ये अज की गल नहीं, ये तो हुण सफिस्टिकेट तरीका हो गया है मीडिया, अगे तुसी किसे दे उत्ते जां उन्हां चो बंदे हायर करके तुसी लोकां दे उत्ते अपना दबाव बनांदे सी अपनी गल कहण लई, जिवें अंग्रेज़ां ने जे भारत दे उत्ते 200 साल राज कीता ते किसी भी गिवन टाइम च 30-40 हज़ार तो ज़्यादा अंग्रेज़ां दी गिणती नहीं सी उत्ते, लेकिन उन्होंने जिवें सिस्टम क्रिएट किया लंबड़दार लैवल ते, जिवें सिस्टम क्रिएट किया राय बहादुर सरदार बहादुर खान बहादुर और अपने पूरे इंडो फायल एक उन्हां दी फौज सी जिहड़ी कल्ली फौज आर्मी लड़न वाली नहीं, जिहड़ी उन्हां दे चमचियां दी उन्हां दे सिस्टम नू लागू करन वाली और उदा दी उन्होंने पुलिस क्रिएट की उदा दी फौज क्रिएट की जी। पर हुण जिस किस्म दे असी संसार च 21वीं सदी च आए हैं उदे च असी देखते हैं कि बहुत बार पता भी नहीं हुंदा कि चल रहा। हुण ईरान दे मामले च किन्ने साल 78 तो बाद जो आयतुल्ला खमीनी आया उहदे ते पाबंदियां रहियां, उन्होंने बिलियनज ऑफ डॉलर फ्रीज होए, फिर ये भी नहीं सी कि भी उन्होंने उत्थे उन्होंने होस्टेज ले ले, फिर ईरान कॉन्ट्रा डील सामने आई कि भी किवें अपने बंदे छड़ाण लई इन्होंने ईरान दे नाल डील की। हुण जिहड़ी खबर पिछले 2-3 दिनों तो वॉल स्ट्रीट च आई है और दूसरे च है कि जिहड़ा हुण ईरान दे नाल मुड़ के रिलेशन बने ने उहदे च 400 मिलियन डॉलर जिहड़ा वो अमरीका ने यूरो करंसी च दूजिया करंसी च ईरान दे विच पहुंचाया कैश, जहाज भरया होया कैश दा गया। हुण जदों इह गल सामने आई क्योंकि उहदे च उन्होंने पहला अपने प्रिजनर छुड़ाए, उन्हां च वाशिंगटन पोस्ट का भी कोरसपोंडेंट सी, पर वो डिनाई कर रहे वाई जिहड़ा स्टेट डिपार्टमेंट है जां दूजे कि नहीं नहीं इह जदों ईरानियन असी असैट फ्रीज कीते सी उदों उन्हां नाल जिहड़ी एक मिलिट्री डील सी जिहड़ी उहदे च ईरान ने सानू पे कीता होया सी इन्ना ते वो वध के 1 बिलियन डॉलर इंटरेस्ट भी पै गया बन गया, असी 400 मिलियन डॉलर जिहड़ा वो कैश इसे लई रिटर्न कीता है और असी अमरीकन करंसी च नहीं कीता क्योंकि सैंक्शनस लगियां हुई। पर कुल मिला के जदों तुसीं एक पासे देखो इत्थों दे उत्ते तो थले तक पॉलिटिशियंस दा ईरान बारे पब्लिक स्टांस की रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स से की रहे, पर इनसाइड डील कर रहे सी हथियार कॉन्ट्रा डील भी की और हुण 400 मिलियन डॉलर भी कैश उन्होंने घर छड़ के आए। यही हाल तालिबान के हवाले नाल, एक पासे दोहा च उन्हों का दफ्तर खोलिया होया, दूसरे पासे पाकिस्तान का पता नहीं किन्ने 100 मिलियन जड़ा है वो उन्होंने रोक लिया मिलिट्री वाले ने, जी उन्होंने डिफेंस डिपार्टमेंट है कि जी वो जो हकानी नैटवर्क है वो खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। हुण कुल बड़ा के नेटवर्क किने बनाए ने इस्लामिक स्टेट जिहड़ी अज और पिछले कल ही जिहड़ा एक होर लंडन दे विच अटैक, भावें कहा जांदा है सोमालियन नॉर्वे दा सोमालियन मूल दा सिटीजन दिमाग घुम्या होया चाकू नाल अटैक किया, एक बीबी नूं मार दिता, 5-7 जख्मी ने। हुण इह जिहड़ा सारा इस्लामिक स्टेट फिनोमेना है जां मिडल ईस्ट नूं डीस्टेबिलाइज करना
न्यू मैप मेकिंग दे थले किने कीते इन्हां ही पावर्स ने कीता। सो कुल मिला के इहदे च कोई शक नहीं है कि यह पार्ट जरूर है कि अंडरनीथ बहुत कुछ चलता है, इसके पिछे बहुत कुछ है, ऑयल है, ड्रग माफिया है, कलियां ड्रग्स जड़ियां ने कोकेन जा हेरोइन नहीं है, जड़ियां मेडिसिन्स ने इन्ने वड़े वड़े इन्हों के इंटरेस्ट ने, इत्थे हॉस्पिटल्स के अलग लोग ने जिहड़े कंट्रोल करते ने, लॉबिंग की होंगी है, कारपोरेशन वड्डिया वड्डिया की ने, सो हथियारों की एक अपनी इंडस्ट्री है, किन्ने अंडरहैंड जिहड़े ने जे लड़ाइया ना ला के रखन ते अमरीका सब तो वड्डा एक्सपोर्टर है, फिर रशिया एक्सपोर्टर है हथियारों का, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इजराइल है, हुण चीन भी बन गया। सो इन्हां नूं तां अपनी इंडस्ट्री जारी रखण दे लई इन्हां ने लड़ाइयां करवाणियां ही करवाणियां ने। हुण सवाल यह आया कि भाई चोणां च कोई जित जाए, हाँ ये उन्हां दी गल नाल सहमत हुंदे आ जो उन्होंने कहा कि भाई मीडिया भी वड्डियां कारपोरेशनां दे कंट्रोल च हुंदा, जिस किस्म दा मर्जी माहौल सिरज देण, मुफाद भी जुड़े हुए ने, लालची कारपोरेशनस ने, पर इहदे बावजूद इलैक्शनस इंपॉर्टेंट ने और इसलिए भी इंपॉर्टेंट ने कि कुल मिला के बेशक फाइनेंस कौन करता है किवें, फिर भी जिहड़ी वोट है एक आवाज़ है और घट्टो घट इन्हां मुल्कां दे विच अमरीका, कैनेडा, यूरोप दे विच कुछ इशूज़ ने जिहड़े रोज़ाने, ठीक है प्रॉफिट मेकिंग, मनी मेकिंग ये वड्डे लैवल ते हुंदा है, ये चलदा रहना, इहदे ते साडा कंट्रोल नहीं है जी। पर एक कॉमन सिटीजन की से जिहड़ी है वह उन्हां इशूज़ के उत्ते जिहड़ी डोमैसटिक पॉलिटिक्स दे विच जिहड़े डोमैसटिक इशूज़ ने उन्हां च जरूर प्रभावी हुंदी है, उस दे उत्ते हावी हुंदी है। सो मैं समझदा भी इहदे बावजूद कि भाई ये अल्टीमेटली वड्डियां कारपोरेशनां दा शो है, मनी मेक्स द मेयर गो, पर अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और घट गिणतियां नूं इह सूट करदा है कि असी आयल दे दोवें पासे खलोते जिहड़े हैं घट्टो घट अपनी शकल, अपनी पछाण और कल नूं अपनी जिहड़े कोई हक्कां दे लई जे कोई गल निकलदी है, जे इन्हां नूं सूट करेगी, जे सिख कॉकस है, 50 तों ज़्यादा कांग्रेसमैन ने किसी स्टेज पर जिहड़ी है ऑल ऑफ ए सडन खालिस्तान दी इंपॉर्टेंस उस खिते च दो हस्टाइल इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स दे विचकार इन्हां दी भी लोड़ होए और साडा भी कुछ बन सकदा है। सो इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया वीर हरप्रीत सिंह जी दा, उन्होंने सानू लिखी जी। डॉक्टर साहब इत्थे लैने ब्रेक, व्यूअर्स तुसीं कितने नहीं जाना, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।